So, all right guys, एक बार फिर से अपन लोग आज को एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो कि भाई इस समय सभी के मन में चल रहा है। अब भाई मुझे पता है इस वीडियो को लाने में थोड़ी सी लेट हो गई है, बट यार कोई नहीं। और भाई तुम लोग को तो पता ही होगा कि अभी रिसेंटली स्मार्ट भाई के चैनल पर हिमलैंड सीजन 4 का एपिसोड नंबर 36 आया है, जिसमें भाई एंड में हमको एक ऐसा चीज पता चलता है जो कि भाई सबको हैरान करके रख देता है। बिकॉज भाई एपिसोड के एंड में हमको ये पता चलता है कि जो तीनों डेविस थे जिनको भाई स्मार्ट भाई ने अनब्रेकेबल वाले प्रिजन में कैद करके रखा था, वो तीनों नीचे से सुरंग खोदकर पता नहीं कैसे निकल गए हैं। और भाई एंड में हम लोगों से स्मार्टी भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये कौन हो सकता है, मतलब किसने एस्केप करवाया इन लोगों को। सो गाइस इसी के रिलेटेड तुम लोगों ने मेरे पास बहुत सारी थ्योरीज एंड क्वेश्चंस को कमेंट किया था, तो भाई आज मैं उन्हीं सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो गाइस सबसे पहली बात कि हम लोग को इस चीज की थोड़ी खुशी हो रही है कि भाई जो हमारा होगलू है वो तो नहीं आया, बट हां उसकी आत्मा हमको दिखी थी पिछले वीडियो में, जिससे भाई हम लोग को इतना तो पता चल गया है कि आगे चलकर होगलू इंट्रोड्यूस फिर से होगा। बाकी अभी बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट कमेंट के बारे में। तो भाई फर्स्ट कमेंट है हमारे इन भाई साहब के तरफ से, और इनका कमेंट है बिकॉज हुलालाला हैज जंपिंग एंड स्पीड पावर ही एस्केप डेविल्स। तो भाई देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आया भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि भाई इनके कहने का मतलब है कि हुलालाला ने उन डेविल्स को एस्केप करवाया है क्योंकि उसके पास स्पीड और जंप की पावर है। अब भाई देखो मेरे को तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है, बिकॉज भाई हुलालाला के पास स्टार्टिंग से ये सारी पावर्स हैं, तो भाई वो अब जाकर क्यों आजाद करवाएगा? और भाई मेन चीज की जंप और स्पीड वाले पावर से वो कैसे आजाद करवा सकता है? बिकॉज जेल का केवल बटन ही प्रेस करना है जिसकी वजह से वो लोग बाहर आ सकते हैं, बट वहां पर वो लोग सुरंग खोद कर गए हैं। बाकी अगला कमेंट हमारे इन भाई साहब की तरफ से, और इनकी थ्योरी है बिकॉज फलाना जी के माइंड के ऊपर किल्विस का जादू है, फलाना जी ने डेविल्स को चुराया और उनको भगा दिया। दिस इज माई थ्योरी, थैंक्स प्लीज लाइक माई कॉमेंट। तो देखो भाई जिनको नहीं समझ में आया भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, तो भाई ये कह रहे हैं कि जो फलाना जी है उसने हो सकता है आजाद करवाया हो डेविल्स को, बिकॉज किल्विस ने फलाना जी के माइंड पर कंट्रोल करके रखा है। तो भाई देखो इसका तो मैं कन्फर्म कुछ बता नहीं सकता हूँ, बट अभी फलाना जी हमको दिखा नहीं है किसी भी वीडियोस में, और भाई इस टाइम फलाना जी कहा है मुझे नहीं पता है। बट भाई अगर फलाना जी यहाँ पर उसको आजाद करवाने आते तो जितने भी गोल्ड पुजारी के गार्ड थे वो लोग फलाना जी को जरूर मारते। बाकी मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये काम किसी जादूगर बंदे का है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है इन चीजों में। बाकी अगला कमेंट है हमारे इन भाई साहब की तरफ से, और इनका कमेंट ये है कि डेविल्स एस्केप किए होंगे हुलालाला की हेल्प से। तो भाई देखो अब किसकी हेल्प से एस्केप किए हैं तो मुझे पूरा आइडिया नहीं है, बट हाँ हुलालाला तो मेरे को नहीं लगता है बिकॉज वो तो एंड में था। और भाई हो भी सकता है, ऐसा मैं कोई कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से हुलालाला नहीं हो सकता है। सो अगला कमेंट हमारे इन भाई साहब की तरफ से, और भाई इनकी थ्योरी है कि भाई किल्विस एस्केप हो गया है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मतलब किल्विस एस्केप कर ही नहीं सकता है। बिकॉज अगर किल्विस एस्केप कर गया तो भाई तुम लोग सोचो स्मार्टी भाई एसजीओ भाई इन सभी को जिंदा नहीं रहने देगा, मतलब पूरा हिमलैंड तो तहस नहस करने में लग जाएगा बिकॉज भाई उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। तो भाई अगर किल्विस एस्केप कर जाता तो भाई होगा लाला भी एस्केप कर जाता और ऐसा सबको पता चल जाता। बाकी अगला कमेंट है हमारे इन भाई साहब की तरफ से, और भाई इनकी एक थ्योरी है कि ड्रीम बॉय हेल्प हिम टू गेट एस्केप बिकॉज ही वांट टू नो वेयर इज हीरो ब्राइन एंड डेविल्स नो वेयर इज हीरो ब्राइन एंड ड्रीम बॉय ने एस्केप करवा दिया जब ही वो कह रहा था कि मेरे वजह से वो निकले हैं और मैं ही उनको लाऊंगा। तो भाई देखो इस कमेंट को मैं एकदम समझा दे रहा हूँ अपने लैंग्वेज में। तो भाई देखो इनके कहने का मतलब है कि स्मार्टी भाई के पिछले वीडियो में एंड में ड्रीम बॉय ने बोला था कि भाई मेरे वजह से डेविल्स एस्केप किए हैं तो मैं ही उनको लेकर आऊंगा। तो इनके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि भाई डेविल्स और इनके बीच में डील हो गई हो कि भाई तुम बता दो कि मेरा हीरो ब्राइन कहाँ है, या फिर ऐसा ड्रीम बॉय ने सोचा होगा कि ये लोग जब हीरो ब्राइन के पास जाएंगे तो मैं इनका पीछा करके हीरो ब्राइन को फाइंड कर लूंगा। और शायद यही था ड्रीम बॉय का पर्सनल काम, क्योंकि भाई हीरो ब्राइन उसका पर्सनल लौंडा था, और भाई जहां तक मुझे पता है ड्रीम बॉय हीरो ब्राइन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है ड्रीम बॉय ने उन डेविल्स को एस्केप करवा दिया हो। बाकी अभी मैं कन्फर्म तो नहीं बता सकता हूँ कि ऐसा ड्रीम बॉय ने किया है फिर किसी और ने किया है। बाकी अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कमेंट के बारे में। तो भाई अगला कमेंट है हमारे इन भाई साहब की तरफ से, तो भाई इनका कमेंट है जैसे हुलालाला वो वल्कनो के पास एंडर पोर्टल में एक फ्रेम कम था तो उसने आधे से ही काम चला लिया था, ठीक वैसे ही डेविल्स ने अपना पावर यूज करके वॉइड टाइप का ब्लॉक बना लिया जिससे ग्रीन डेविल वहां पर पहुंच गया और बाद में वो वॉइड बंद कर दिया। तो देखो भाई सबसे पहले मैं समझा दूं ये भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई तुम लोग को तो पता ही होगा कि जो वेलकनो के पास एक एंड पोर्टल लगा हुआ था वो भाई कंप्लीट नहीं था, बट फिर भी वो हुलालाला ने किसी न किसी तरह लाइट अप कर दिया था। वैसे ही यहाँ पर जेल में इन्होंने ऐसा कुछ जुगाड़ कर दिया हो जिसके वजह से वो पोर्टल खुल गया हो थोड़ा सा, और ग्रीन डेविल एंड में चला गया होगा हुलालाला के साथ। तो भाई देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ से तीनों डेविल्स एस्केप कर गए हैं, और अगर तीनों डेविल्स उसी एंड में जाते तो भाई उन लोगों का बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि भाई तुम लोग को तो पता होगा कि भाई उस एंड में से बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं है विदाउट एंडर ड्रैगनी को मारे। भाई मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। बाकी अगला कमेंट हमारे इन भाई साहब की तरफ से, और इनका कमेंट है नोबड़ा जी ने मदद करी होगी। तो भाई देखो नोबड़ा जी का मैं कन्फर्म तो बता नहीं
सकता हूँ, बट हाँ वो बंदा मेरे को थोड़ा सा इधर उधर सटका हुआ लगता है, बिकॉज भाई उसी की वजह से होला लाला आजाद हुआ था, क्योंकि भाई वही गया था टच कर दिया था उस जादुई केज को, जिसके वजह से वहां पर होला लाला बाहर निकल गया था। और भाई कहीं कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई जो हमारा नोबड़ा जी है वो कुछ ना कुछ तो लोचा कर रहा है इन लोगों के साथ, बिकॉज भाई इसी की वजह से होला लाला आजाद हुआ था, और हो सकता है इसी ने कुछ जुगाड़ कर दिया हो जिसकी वजह से वो डेविल्स भी आजाद हो गए हो। और भाई दूसरी बात पड़ जाती है कि भाई ये प्रोफेसर का भाई है, तो भाई प्रोफेसर तो बहुत अच्छा आदमी है, और भाई वो तो अपने भाई को जानता ही होगा कि भाई उसका भाई ऐसा कभी नहीं करेगा, तो भाई नोबड़ा जी पर भी 100% शक नहीं किया जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से जो परपी है ना, इसी की वजह से डेविल्स लोग एस्केप कर गए होंगे प्रिजन को, बिकॉज भाई तुम लोगों को तो पता होगा कि बचपन से परपी के पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, तो हो सकता है इसने इतने टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा बना लिया हो जो कि भाई अनब्रेकेबल चीजों को तोड़ सकता है। बाकी गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके भी मन में कोई थ्योरी या फिर क्वेश्चन है तो यार कमेंट करके पूछ सकते हो सकता है अगली वीडियो आपके ही कमेंट पर आ जाए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।